आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे जीमेल में सिग्नेचर क्रिएट और कस्टमाइज करते हैं। अब ये सिग्नेचर होता क्या है? ईमेल में सिग्नेचर और कुछ नहीं, बस आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लोगो या कुछ कोट होता है जो कि ईमेल के एंड में लिखा जाता है। मैं मोबाइल एज वेल एज कंप्यूटर दोनों से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं दीप और आपका स्वागत है आपके अपने टेक यूट्यूब चैनल टेक्नोपुराण में। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिग्नेचर खुद से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है हर बार आपको सिग्नेचर लिखना होगा। अब चाहे वो न्यू ईमेल लिख रहे हो या फिर किसी मेल का रिप्लाई दे रहे हो या फिर किसी मेल को फॉरवर्ड कर रहे हो, और जब एक ही चीज लिखना है तो बार बार एक ही चीज क्यों लिखें? इसीलिए आपको इसका सेटिंग सभी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू एटसेट्रा में अवेलेबल है। और तो और, ईमेल क्लाइंट से ईमेल मैनेजर में भी इसका सेटिंग्स अवेलेबल रहता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एप्पल मेल, थंडरबर्ड, मेलबर्ड, ब्लू मेल एटसेट्रा। तो चलिए जीमेल पे चलते हैं और सिग्नेचर को क्रिएट करते हैं। पहले हम कंप्यूटर में सीखेंगे, फिर एंड्रॉयड फोन पे चलेंगे। पहले मैं मेल कंपोज करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो कोई सिग्नेचर नहीं है। वैसे सिग्नेचर क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। क्लिक सेटिंग्स, फिर से ऑल सेटिंग्स, अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलें और ये रहा सिग्नेचर। क्लिक क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे सिग्नेचर का नाम दे, आप कुछ भी दे सकते हो। ये नाम बस आपके लिए है ताकि अगर आप एक से ज्यादा सिग्नेचर बनाते हैं तो पहचान सके आप कि कौन सा किसके लिए इस्तेमाल करना है। इस पे मैं आगे बताऊंगा। अब हमको सिग्नेचर लिखना है। आप टेक्स्ट, लोगो, कोट कुछ भी दे सकते हो। तो रिगार्ड्स, अब मैं लोगो ट्राई करता हूँ। लोगो मेरे गूगल ड्राइव में ही है। ये हो गया इंसर्ट, ये बहुत बड़ा है सो इसको स्मॉल कर लेते हैं। क्लिक ऑन लोगो, फिर ऑप्शंस आ जाएगा, अब क्लिक स्मॉल। अब देखूँ जरा रिगार्ड्स को थोड़ा बोल्ड करके देखता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। एक बार लोगो को रिमूव करता हूँ एंड टाइप करता हूँ भारती टेक सर्विसेज। अब कलर चेंज करके देखता हूँ, सो ब्लू ट्राई करता हूँ। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। रिगार्ड से बोल्ड हटा के देख लेता हूँ, अब ठीक लग रहा है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख देता हूँ। अब लोगो दोबारा से लगा के देखता हूँ। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने कंपनी का वेबसाइट भी दे देता हूँ। सो ये वेबसाइट में लिंक ऐड करते हैं। सो सेलेक्ट एंड क्लिक लिंक। क्योंकि ये लिंक ही लिखा है तो जीमेल ऑटोमेटिकली समझ गया, और इसको बोल्ड कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक लग रहा है। आप अपने हिसाब से बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, कलर, फॉन्ट बैकग्राउंड कलर, इमेजेस, लिंक्स, बहुत कुछ है। मुझे इसी ईमेल आईडी के लिए यूज़ करना है तो यही ईमेल आईडी रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब न्यू ईमेल और रिप्लाई एंड फॉरवर्ड सभी के लिए चाहिए, सो इस सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेव चेंजेस। अब मेल कंपोज करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो सिग्नेचर ऑटोमेटिक आ गया है। अब मैं आपको रिप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। ये मेल है, इसको रिप्लाई करता हूँ एंड क्लिक थ्री डॉट्स, और आप देख सकते हो सिग्नेचर ऑटोमेटिक एडेड है। कुछ देर पहले मैंने दो सिग्नेचर क्रिएट करने की चर्चा की थी, सो एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए, दो सिग्नेचर का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं जब एक ही जीमेल अकाउंट में एक या एक से अधिक आईडी एडेड हो। इसका सेटिंग आपको अकाउंट्स एंड इंपोर्ट सेक्शन में दिख जाएगा। तो आप यहां देख सकते हो दो ईमेल आईडी है और मैं दोनों के लिए अलग अलग सिग्नेचर असाइन करना चाहता हूँ। तो पहले आईडी के लिए तो मैंने बना दिया है सिग्नेचर, अब दूसरे के लिए बनाते हैं। सो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्रिएट न्यू। अब एक नाम दे दें, सेम नेम ना दें, अलग डिफरेंट नेम दें। जो पहला हमने सिग्नेचर बनाया था उसे डिफरेंट करोगे तभी तो आप पहचान पाओगे ना कि दोनों सिग्नेचर अलग अलग है। अब मैं फर्स्ट वाला जो सिग्नेचर था उसी को ही कॉपी कर लूंगा, बस उसमें अपना नाम ऐड कर लूंगा और इसको बोल्ड कर देता हूँ, दैट्स इट। अब यहाँ पे दूसरा वाला ईमेल आईडी सेलेक्ट करें, फिर सिग्नेचर सेलेक्ट करें, फिर न्यू एज वेल एज रिप्लाई एंड फॉरवर्ड के लिए। अब बस सेव चेंजेस कर लें।
अब मैं आपको कंपोज मेल करके दिखा देता हूं, तो जो डिफॉल्ट मेल है उसका सिग्नेचर आ गया है। अगर मैं ईमेल चेंज करता हूं तो आप देख सकते हो सिग्नेचर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, है ना इंटरेस्टिंग। अगर कोई सवाल हो दो ईमेल आईडी कैसे ऐड करते हैं कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया डन। अब चलते हैं एंड्रॉयड फोन में, इसमें तो और भी सिंपल है। सो ओपन जीमेल, क्लिक थ्री लाइंस, अब सीधा सेटिंग्स, यहाँ क्लिक योर ईमेल आईडी, अब स्क्रॉल करके नीचे आए और ये रहा मोबाइल सिग्नेचर। अब सिंपल सिग्नेचर ऐड कर लें, यहाँ ज़्यादा तामझाम नहीं है। और लास्ट में लिख दें सेंड फ्रॉम एंड्रॉयड और सेंड विया एंड्रॉयड, हो गया। अब ओके कर दें। एक बार कंपोज करके दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो सिग्नेचर आ गया है। भारती टेक सर्विसेज को मैं कैपिटल में कर देता हूँ। वापस से मोबाइल सिग्नेचर में चलते हैं और सेंड फ्रॉम को भी सेंड विया कर देते हैं। अब मेल कंपोज करके देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा जो है ठीक लग रहा है। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।